इसरो का वो मिशन जिसके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, इसरो का वो मिशन जिसने पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, इसरो का वो मिशन जिसके आगे रूस का मिशन भी फेल हो गया, इसरो का वो मिशन जो लगातार कामयाबी की नई नई इबारतें लिखता जा रहा है, और इसरो का वो मिशन जो चांद से कुछ ही दूरी पर अभी सफर कर रहा है और जल्द ही चांद की सतह पर लैंड करने की तैयारी में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से बस कुछ कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये 23 अगस्त को सेफ लैंडिंग करेगा। इसके दो दिन पहले लैंडर ने चांद की कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिसको देखकर आज पूरी दुनिया भारत के ऊपर गर्व महसूस कर रही है। चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी LHDAC का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को खींचा है। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिण ध्रुव पर उसी जगह की हैं जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होने वाली है। आज इन तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए इसरो ने लिखा, ये चांद के सुदूर क्षेत्र की तस्वीरें हैं जिसे लैंडर के खतरा जांच और बचाव कैमरे से खींचा गया है। खास कैमरे के बारे में बताते हुए इसरो ने कहा, ये कैमरा नीचे उतरने के दौरान सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र यानी बिना बोल्डर या गहरे गड्ढे वाले का पता लगाने में सहायता करता है। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में विकसित किया गया है। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर यानी कि भारतीय समय के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। रविवार की सुबह मिशन का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन यानी रफ्तार कम करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका और सोवियत संघ और चीन के मिशन ही चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। वहीं रूस जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ था क्योंकि उसने 47 साल बाद अपने एक मिशन को लॉन्च किया था और ये मिशन कहीं ना कहीं भारत के मिशन से बजट में भी बहुत ज्यादा आगे था और टेक्नोलॉजी के मामले में भी कहीं ज्यादा आगे था, लेकिन रूस का सपना तो टूटा ही टूटा। इसी के साथ दुनिया को भी ये संदेश मिल गया कि आपकी बारी चांद भारत के मुट्ठी में है। और इस तरीके की जो तस्वीरें इसरो ने जारी की हैं, इन तस्वीरों को हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। ये तस्वीरें भारत के लिए एक इतिहास गढ़ने का काम कर रही हैं। इन तस्वीरों को इसरो ने शेयर किया है। इसरो ने शेयर करते हुए इन तस्वीरों को पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया कि भारत आज के समय में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है। हालांकि हमारा बजट कम है, लेकिन हम भारतीय कम बजट में बड़े इतिहास रचने में विश्वास रखते हैं। इसरो के द्वारा जारी की गई इन तस्वीरों से आप साफ पता लगा सकते हैं कि किस तरह से रूसी मिशन फेल हुआ और भारत का चंद्रयान 3 सफलता का नया इतिहास लिखने के लिए पूरी तरह से पांव पसार चुका है। चंद्रयान 3 किसी भी वक्त सफलता की एक नई इबारत कर देगा और इसी तरह से जब 23 अगस्त को पूरी दुनिया देखेगी कि चंद्रयान 3 चांद की उस डार्क साइड पर लैंडिंग करेगा जहां पर कई देशों के स्पेस मिशन को पहुंचना भी नामुमकिन रहा है, तो वहां पर भारतीय वैज्ञानिकों का जज्बा साफ तौर पर दिखाई देगा। उनकी मेहनत झलकती हुई नजर आएगी और हर भारतीय के मुंह से बस एक ही अल्फाज निकलेगा, जय हिंद। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप किन मुद्दों पर खबर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।